स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 51 आ चुका है। आप पुरजोर तरीके से उस फॉर्म को फिलअप करने में लग गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा। अब आपके सामने आपकी रणनीतियाँ होंगी, आपके प्रयास होंगे और उस प्रयास की सार्थकता होगी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। स्वर्णिम सफलता आपका वर्णन करेगी। आइए शुरुआत करते हैं जीके पोर्शन। जैसा कि आप जानते हैं जीके पोर्शन हमारे चैनल का एक अंग है और निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिटेड होते रहे हैं। बहुत हमारे बैच हमारे अपने पेड बैच के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी YouTube पर उपस्थिति थोड़ी कम हो पा रही है, आप समझ सकते हैं। साक्षात्कार में हमारी व्यस्तता, जो UPSC का जो विज्ञापन, GDC का जो विज्ञापन और GSC के संदर्भ में हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं ये इस प्रैक्टिस सेट की जो GK के पोर्शन के लिए समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं 30 प्रश्न आते हैं GK के, 6 यूनिट्स होती है, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने सब्जेक्ट में आप माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट में आप डॉक्टरेट हैं, नेट हैं, GRF हैं, लिहाजा आपकी पकड़ मजबूत होती है। GK पोर्शन में खासतौर पर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए यह बड़े ही कठिनाई का एक सबब रहा है। शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन पैटर्नों को। करंट अफेयर से पहले शुरुआत होती है। किस राज्य ने ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए हरित कर्म सेना यानी ग्रीन एक्शन फोर्स की पहल की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता और यहाँ पर आप केरल के साथ जा सकते हैं। केरला गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू फॉर्म हरित कर्म सेना यानी ग्रीन एक्शन फोर्स टू कलेक्ट एंड सेग्रेट वेस्ट फ्रॉम सिटी हाउस होल्ड्स। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, केरला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू ऑल्सो एंड करेंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पर्सनैलिटी से भी अक्सर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म भूषण जिसे भारत का तीसरा बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। दो प्रश्न हो गए आपके, एक पहला पद्म भूषण जिसे भारत का तीसरा नागरिक सम्मान माना जाता है और दूसरा प्रश्न ये हुआ कि जिसे 2022 से 17 लोगों को देने की घोषणा की गई है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि इसको लेने से किसने इनकार कर दिया। चार पर्सनैलिटी यहाँ दी हुई है, इन चारों पर्सनैलिटियों को मिला हुआ है, लेकिन इसमें से किसने लेने से इनकार कर दिया दोस्तों? तो इसको लेने से इनकार कर दिया है बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण परिघटना थी, आप इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हम तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न देखें। इन अप्रैल 2022 ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट द परसिवरेंस रोवर एस्टैब्लिश्ड बाय नासा रिकॉर्डेड द इवेंट ऑफ अ सोलर एक्लिप्स ऑन मार्स। यानी कह रहा है नासा द्वारा स्थापित परसिवरेंस रोवर ने अप्रैल 2022 में किस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण घटना को रिकॉर्ड किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें फोबोस जो है इसका सही जवाब है। फोबोस ने इसको प्रिजर्वेंस मार्स रोवर कैप्चर्ड एन एक्लिप्स फीचरिंग फोबोस, तो फोबोस के साथ आप जा सकते हैं। फोबोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं कि शोध अनुसंधान आपके सिलेबस का हिस्सा है GK पोर्शन के करंट अफेयर्स का, तो इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और यह देखिए अगला प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में इनमें से किसने ग्रैमी अवार्ड 2022 प्राप्त किया 2022 प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में? तो यह जा रहा है किसको? यहाँ चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। चार ऑप्शन में आप देखिए नताशा पेरी, फाल्गुनी शाह, पद्मलक्ष्मी और नीना गुप्ता, जिसमें कि फाल्गुनी शाह राइट आंसर है। निश्चित तौर पर इसको अपने जहन में रखिएगा फाल्गुनी शाह। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पोर्ट्स से है और स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। और यह कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए हाल ही में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता? चार ऑप्शन यहां पर आप देख सके हैं कि चार ऑप्शन है अवनी लखेरा, अंजलि भागवत, अपूर्वी चंदेला और रोबिना फ्रांसिस। इसमें टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लखेरा ऑन गोल्ड एट द पैराशूटिंग वर्ल्ड कप विथ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 250.6 इन ओमेन 10 मीटर राइफल शूटिंग।
तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की 2022 की थीम क्या थी? दोस्तों, थीम से प्रश्न आते रहा है, आयोग उसको चयनित करते रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इससे भी प्रश्न आते रहा है। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप पैटर्नों को अपने दिमाग में अवश्य रखिएगा और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सभी के लिए जीवन, एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है जो सातवां प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपके मैंने बताया है आपसे कि मैं सदैव आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलता हूँ। और यह जो प्रश्न है वह है किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और टीचिंग एप्टीट्यूड में यह प्रश्न कह रहा है कि अधिगम की सतत प्रक्रिया में किशोरावस्था को किस विद्वान ने तूफान और तनाव की संज्ञा दी है। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को मैंने बाइलिंगुअल रखा है, बहुत सारे लोगों को हिंदी में कठिनाई उत्पन्न होती थी, इसकी वजह से मैंने सारे नोट्स, सारे टेस्ट सीरीज, सारे प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखे हैं। और इसका जो सही जवाब है वो उसे आप अवगत हो लें, हॉल, हॉल ने इस बात को रखा था, तूफान और तनाव की संज्ञा दी थी, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप एक बार पुनः देखें, कह रहे यह भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है कि शिक्षा के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, इनमें से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन, अनुभवात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन, जिसमें कि अनुभवात्मक मूल्यांकन जो है एक्सपेरिमेंटल इवोल्यूशन सही नहीं है। और ये तीन हैं तो आप जा सकते हैं सी के साथ। और हम बढ़ेंगे नौवें प्रश्न के साथ और नौवां प्रश्न एक बार पुनः टीचिंग एप्टीट्यूड से है, निम्न में से अनुसंधान का वह कौन सा प्रकार है जो पक्ष या भाव रहित रहता है, पक्ष या भाव रहित रहता है, जो सामान्यतः घटना और परिणाम या प्रभावों के बीच, घटना और परिणाम या प्रभावों के बीच संबंधों पर केंद्रित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च रिमेन्स साइड और इमोशनलेस, विच जनरली फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ इफेक्ट्स। तो इसको आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि यह क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मात्रात्मक अनुसंधान इसके साथ आप जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में अवश्य रखिएगा। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अगला होने वाला है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में उल्लेखित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिए, देखिए इसमें चार प्रश्न कहे गए हैं, चार बातें कही गई हैं, इसको हम देखते हैं। और इसमें कह रहा है कि इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, यह सही है। दूसरा कह रहा है इसे शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का उत्तरदायित्व है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है, यह भी सही है। लेकिन जो चौथा यहाँ पर कह रहा है, यह राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है, यह सही नहीं है। तो यह आपका सही जवाब हो गया, डी के साथ आप जा सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सर में यह कथन सत्य नहीं है। हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न एक बार आएगा और वह रहेगा ICT से, यानी कि जो आपका सिलेबस, आपके जो यूनिट थर्ड है उसका हिस्सा हो गया ICT। और ICT इज ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ सी द क्वेश्चन, इसमें जो है एब्रीविएशन के बारे में बात की जा रही है, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क सही है, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यह भी सही है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क यह भी सही है, USB यूनिवर्सल सर्विस बस, दोस्तों दिस इज नॉट राइट बिकॉज यूनिवर्सल सर्विस बस नहीं होगा, सीरियल बस होगा। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, डी के साथ जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग निश्चित तौर पर करता रहा है। और यहाँ पर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट एज है, एप्पल सफारी है, फायरफॉक्स है, ओल्फेरम अल्फा है, जिसमें हम आपको बता दें कि ये तीनों जो हैं माइक्रोसॉफ्ट एज,
एप्पल सफारी और फायरफॉक्स सब तीनों जो हैं वह वेब ब्राउज़र हैं, जबकि वुल्फ्रेम अल्फा जो है यह एक सर्च इंजन है। तो आप डी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें यहाँ पे एक बार पुनः कंप्यूटर के जनरेशन से है। VLSI तथा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व माना जाता है? द यूज ऑफ VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर इज कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जनरेशन एक महत्वपूर्ण सिलेबस का हिस्सा है आपका, और निश्चित तौर पर उससे प्रश्न आते रहे हैं। तो दोस्तों यह फोर्थ जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन है, चतुर्थ जनरेशन का है, तो आप इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और जब आप अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को निश्चित तौर पर अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखें, कह रहा है ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को प्रकट करना कहलाता है। दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, चार ऑप्शन में आप एक्रोनिम्स, फ्लेम, इमोटिकॉन, नेटिकॉट, जिसमें इमोटिकॉन जो है यह इसका सही जवाब हुआ सी के साथ आप जा सकते हैं। और अब हम बढ़ते हुए आ गए हैं अगले यूनिट की तरफ, जो आपका चौथा यूनिट है मैन एंड एनवायरमेंट का। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, आपको अपने सारे यूनिट पर बराबर ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हो सकता है कि करंट अफेयर्स का दायरा थोड़ा व्यापक है, विशाल है, उससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी सारे जो यूनिट हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी तैयारी एक संतुलित दिशा में होनी चाहिए, आपका अपने सब्जेक्ट में पकड़ है निश्चित तौर पर होनी ही चाहिए, क्योंकि आप उसमें मास्टर हैं, नेट हैं, डॉक्टरेट हैं, JRF हैं, उसको आपने प्रारंभ से लेकर के अपने PG क्लासेस तक पढ़ा है। लेकिन जो जनरल नॉलेज है यह मल्टी डायमेंशनल है, इसमें आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, सोलर सिस्टम है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT है, करंट अफेयर्स है, तो लिहाजा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन आपको इसकी महत्वपूर्णता को समझना ही होगा। जिस तरह से इसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस बार एडवर्टाइजमेंट 50 में या हर एक एडवर्टाइजमेंट में, तो आप इसकी महत्वपूर्णता से इनकार नहीं कर सकते। एक या दो प्रश्नों से बहुत सारे विद्यार्थी डिजर्विंग कैंडिडेट चयनित होने से वंचित रह गए हैं, लिहाजा आपकी अपनी तैयारी की रणनीतियों में निश्चित रूप से बदलाव करने की आवश्यकता है। और GK पर भी मुख्य रूप से फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि GK ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आपका प्रयास संतुलित ढंग से हो, 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का है, 30 प्रश्न GK का है, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू है, तो चारों तरफ से अगर आप संतुलित होकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स में रहेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, जो मैंने एनवायरमेंट का है। 15वां प्रश्न है, 1987 में संपन्न मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपको मिल गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में, जो पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है। यह भी एक प्रश्न मिल गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व्हाट, तो यह था प्रोटेक्शन ऑफ या फिर कंजेशन ऑफ व्हाट, ओजोन लेयर। अब तीन प्रश्न आपको मिल गया, अब चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस किस दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 16 सितंबर के साथ आप जा सकते हैं, 16 सितंबर सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न आते रहे। अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से मिलकर वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई और घुटन उत्पन्न कर देती है? देखिए कह रहा है कि पर्याप्त ऑक्सीजन है फिर भी यह हीमोग्लोबिन में मिल जाती है तो सांस लेने में कठिनाई और घुटन उत्पन्न कर देती है। चार ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही जवाब हुआ। और हम पढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NIRI, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा एनवायरमेंट 50 में भी संस्थानों से प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। NIRI कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो यह स्थापित हुआ था 1958 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में, और नागपुर के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, 12 संक्रमित मछलियों के खाने से यानी कि मरकरी के खाने से कौन सा रोग होता है? मीन माता। और मीन माता आपदा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, का संबंध किससे है, तो यह किस कंट्री से है? चार देश आपको दिख रहे हैं, जापान इसका सही जवाब है। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है, यह राष्ट्रीय उद्यानों से है, भारत में स्थापित जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा भी दी जाती है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी यानी आज़ादी से पहले हुई थी, पहले
हेली नेशनल पार्क रूप में जानते थे, जिसका नाम अब क्या रखा जाएगा या किस नाम से अब इसको जाना जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम जो है अब रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाएगा। रामगंगा नदी इसके बीच से प्रवाहित होती है और अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हम आते हुए आ गए हैं हम किस यूनिट की तरफ, चौथे जो यूनिट है पाँचवीं यूनिट उसके तरफ आ गए हैं। और पाँचवीं यूनिट में क्या कह रहा है, पाँचवीं यूनिट में आपको हिस्ट्री मिलता है, नेशनल मूवमेंट मिलता है, साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी मिलता है, सोलर सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है, यह नेशनल मूवमेंट का प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दौरान यह बात किसने कही थी? दोस्तों यह बात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कही थी भगत सिंह ने। भगत सिंह को आप अपने जीवन में अवश्य रखिएगा, उन्होंने इस बात को कही थी। और जब उन्होंने अपना जो बम फेंका था उस संदर्भ में यह बात उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कही थी, सरदार भगत सिंह सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। इडुक्की बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह जो है वह पेरियार नदी पर स्थित है, पेरियार इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यह भी नेशनल मूवमेंट संबंधित, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना किसने एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर टुक द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एज द इनसेंसेट वेस्ट ड्यूरिंग द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपके हिस्ट्री एंड कल्चर से है। पुरुषणी ब्रैकेट में आप देखिए रावी, पुरुषणी जिसको पुरानी जो नदी थी पुरुषणी, जो वैदिक पीरियड में जिसको कि अब रावी के नाम से जाना जाता है, नदी तट पर सुदास एवं दस जनों के बीच हुई लड़ाई जिसको दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जानते हैं मंडलों से प्रश्न आते रहे हैं, दसवें मंडल से प्रश्न आए हैं, हाइम से प्रश्न आया, आयोग ने चयनित किया है, और लेकिन यह किस में है? तो यह है दोस्तों सातवें मंडल में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह जो है सातवें मंडल की बात की जा रही है या बीसी की बात की जा रही है, तो इसको आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। और हम आ गए हैं चौबीसवें प्रश्न की तरफ, और चौबीसवां प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों तो इसका निर्धारण वर्तमान में किया जा रहा है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग जिसकी स्थापना योजना आयोग के बाद की गई 1 जनवरी 2015 से, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री ही रहते हैं, और सुमन केबेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें 25वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि संरचना के दृष्टिकोण से भारत का मेघालय क्षेत्र इनमें से किसका भाग है? दोस्तों हम आपको बता दें, संरचना के दृष्टिकोण से जो मेघालय क्षेत्र है वह दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन प्लेटू का भाग है। डी के साथ आप जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं सोलर सिस्टम का प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। दोस्तों आकाशगंगा जो वर्गीकृत की गई है वह की गई है किस तरह से? तो यह की गई स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑफन नोन एज आकाशगंगा इन हिंदी, दिस इज बिकॉज ऑफ एट द क्लियर नाइट। तो इसको आप देखिएगा एंटायर गैलेक्सी जो है वह कैसी दिखती है, गंगा रिवर की तरह दिखती है, इसलिए इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, वह कौन सी कर प्रणाली है जो जिसमें कर उत्पादन के हर एक चरण में लगाया जाता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि जो वैट है, वैट में उत्पादन के हर एक चरण में कर प्रणाली लगाई जाती है, कर लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार पुनः आपको बता दें कि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके जो पैटर्नों से आप अवगत होते हुए चलिएगा और इससे लाभान्वित होते हुए चलिएगा, तैयारी आप उसी दिशा में करिएगा। और किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि जीके पोर्शन की तैयारी के लिए हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, हमारे जो टेस्ट सीरीज, हमारे जो प्रैक्टिस सेट, हमारे जो नोट्स हैं जो बायलिंगुअल हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं, और जिस तरह से बच्चों ने लगातार सफलता प्राप्त की है, अगर किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता है जीके पोर्शन के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। बड़े ही न्यूनतम राशि अदा करके आप हमारे उन सारे
मेटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अनंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए देखते हैं 28वें प्रश्न को। कभी ना विघटित होने वाली सभा, कभी ना विघटित होने वाली सभा कौन सी? राज्यसभा, उच्च सभा, राज्यसभा, दो प्रश्न आपको मिल गया। जिसे भारतीय संबंध में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि यह जो डी ऑप्शन है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का यह प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। और हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है 29वां प्रश्न, दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पुस्तकों से प्रश्न आए हैं, पुस्तकों के से उनके राइटर्स के नाम को आयोग ने चयनित किया था, उस तरह के पैटर्नों को शामिल किया था। मैं बार बार कहता हूं कि आप पैटर्नों को देखते हुए चलेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आपकी अनंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित होगी। आर्थिक नियोजन पर आधारित पुस्तक प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इसमें एम विश्वेश्वरैया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप जान रहे हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ विपक्षी दल नहीं है, क्यों? क्योंकि लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम कितने सीटों की आवश्यकता होती है? दोस्तों 10% कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो 55, इसका सही जवाब होगा। करीब करीब 550 सीटें हैं, तो 55 सीट अगर नहीं रहती है तो आप विपक्ष में नेता नहीं माने जा सकते, विपक्ष पार्टी नहीं मानी जा सकती, तो विपक्ष दल होने के लिए 55 सीटों की आवश्यकता होनी आवश्यक। दोस्तों इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मुद्दतों बाद हमारी उपस्थिति हुई है, भविष्य में लगातार हम उपस्थित होते रहेंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर किसी भी स्तर पर आपको जुड़ने की आवश्यकता है, यू आर मोस्ट वेलकम। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।